हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी स्टार्ट द ब्लॉग। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मैंने ब्लॉगिंग के लिए लिया है नया फोन, तो आज के वीडियो में उसी के ऊपर बात होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, ये है मेरा ओल्ड फोन जिससे कि मैं पहले वीडियोस एंड ब्लॉगिंग के जितने भी वीडियोस है इससे बनाया करता था। कई बार ब्लॉगिंग के लिए जाता था तो लगभग इसी से सबका रिकॉर्डिंग होता था। एक दो ब्लॉग में जो है वो डिफरेंट कैमरा से ब्लॉगिंग हुई थी, नहीं तो लगभग इसी से। इसमें एक प्रॉब्लम ये पड़ती थी कि जब ब्लॉगिंग करता था तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी उतर जाती थी, जिसके कारण मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत परेशानी होती थी। और इसमें थोड़ा कैमरा क्वालिटी का भी इशू था जो कि मैंने न्यू फोन लिया है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और गाइस, ये मोबाइल बहुत हैंग भी करता था। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है मेरा न्यू फोन फॉर ब्लॉगिंग के लिए। तो गाइस, ये है वीवो का 5G फोन। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में जो कि मुझे चाहिए था न्यू फोन में। इसमें मुझे चाहिए था लगभग कैमरा क्वालिटी फुल HD होना चाहिए जो कि इसमें है, और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस लॉक भी है। तो गाइस, इसका जो फ्रंट कैमरा है 44 मेगापिक्सल का है, और मुझे जरूरत थी कि जो मैं फोन लूँ उसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस भी हो जो कि इसमें है। आप देख सकते हैं पीछे 3 कैमरा है जिसमें से एक है माइक्रो लेंस और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक है मेन कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का है और आगे का 44 मेगापिक्सल का है, और इसकी जूम आउट पावर 10x तक है। और गाइस, इसमें 60fps तक रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो कि बहुत सही है। मुझे 60fps का रिकॉर्डिंग कैमरा ही चाहिए था जो कि इसके अंदर है। एक्चुअली ये फोन दीदी ने मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट दिया है। आने वाले ब्लॉग्स में मैं इससे रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ ब्लॉगिंग के लिए, और आगे आने वाली वीडियो में आपको जो एडिटिंग रहेगा वो 60fps पे देखने को मिलेगा जो कि वीडियो बहुत स्मूथ होगा एज कम्पेयर टू दिस वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ वो मम्मी के मोबाइल से बना रहा हूँ और जो कि मोटोरोला का है। आप देख सकते हैं मोबाइल का जो कैमरा लुक वो भी बहुत बढ़िया है। और बहुत स्मूथ चल रहा है। तो गाइस, कुछ दिनों से इस चैनल से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि जो मोबाइल का जो मेरा डेटा था PC में कुछ सेटअप करना था जिसके कारण मेरा डेली का जो डेटा है वो खत्म हो जाता था। और मैं सोच रहा हूँ कि एक डोंगल या फिर जियो फाइबर लगवा लूँ घर में, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं। अभी कुछ दिनों बाद मेरा कॉलेज ओपन हो जाएगा तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे या तो डोंगल ले लूँ या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जियो फाइबर का कनेक्शन है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट की। तो इसका जो प्राइस है वो मुझे टोटली जो इसका प्राइस है वो 27,000 पड़ा था। और गाइस, इस फोन की मुझे जो खास बात लगी वो इसका जो चार्जर 44 वॉट का है जो कि आधे घंटे में फोन फुली चार्ज कर देता है। तो गाइस, इस मोबाइल के साथ मुझे मिला था एक बैक कवर और ईयरफोन। तो गाइस, ये है न्यू फोन, और ये वाला जो ओल्ड फोन है ये मैं देने वाला हूँ प्राची को फॉर उसके स्टडी पर्पज के लिए। तो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि मैं वन प्लस का CE Note 2 मोबाइल लूंगा, लेकिन वहां पे मुझे ओप्पो और वीवो और मोटोरोला के काफी सारे जो न्यू मॉडल्स दिखे। कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि जो वीवो का फोन है वो कैमरा क्वालिटी में वन प्लस के CE Note 2 से काफी अच्छा है, और मैंने वहां पे चेक भी किया तो मुझे ये अच्छा लगा।
कैमरा क्वालिटी के लिए आप लिग्मा फोन सही बोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये फोन लिया। तो गाइस आपने मेरे चैनल पे जो दो तीन डांस के वीडियोस हैं जो कि मैंने प्राची के डांस का वीडियो बनाया था वो मैंने इस फोन से बनाया था जो कि माइक्रोमैक्स का है। अभी खराब हो चुका है लेकिन इसे मैं अभी तक संभाल के रखा हूँ, जो कि दीदी का मोबाइल था। पहले इससे रिकॉर्डिंग करता था, फिर उसके बाद मैं इस फोन से ब्लॉग का रिकॉर्डिंग करता था। शायद आप इसका नाम जानते होंगे, इसका नाम है टेनर डीक्यू, जो कि ये कंपनी अभी बंद हो चुकी है। फिर फाइनली उसके बाद मैंने लिया है न्यू फोन जिसका नाम है वीवो फाइव। दिस इज माय न्यू फोन। तो गाइस आप इस फोन को एज ए गेमिंग फोन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इस फोन में ज्यादा गेम नहीं खेलने वाला हूँ। अगर प्राची को चाहिए तो इसमें इंस्टॉल करेगी, नहीं तो अदरवाइज मैं इसमें गेम नहीं खेलने वाला हूँ। ओनली मैं कैमरा के लिए इस फोन को लिया एंड नॉर्मल यूज के लिए, और एडिटिंग भी अभी मैं इससे ही करने वाला हूँ। मैं पहले पीसी से कभी कभार करता था, लेकिन मैं अभी इससे ही करने वाला हूँ। रिन्यू ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा जो कि मैं इस फोन से बनाने वाला हूँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।